मिश्रा, आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। यूपी न्यूज। सीएम योगी बोले यूपी में संगठित अपराध पूरी तरह खत्म, प्रशासन को देगी खुली छूट। रामपुर न्यूज। जिले की तरह हुई आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाले डीएम की विदाई। मेरठ में अनोखा शिवलिंग, लखनऊ और दिल्ली से जांचने पहुंची एएसआई की टीम। यात्रा से बाहुली एमएलए विजय मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कांसल कंप्लेंस पर चला बुलडोजर। यूपी न्यूज लाइव अपडेट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज आएंगे अमेठी, कुछ देर में सीएम योगी से करेंगी मुलाकात। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने वैकेंसी सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने का आदेश दिया सूत्र। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तर्ज, अहंकार ने दिल्ली के शासकों को अंधा और बहरा बना दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को तलब किया। मेरठ न्यूज। शहीद जिले के पिता बोले अखिलेश ने नहीं निभाया वादा, योगी सरकार पर जताया भरोसा। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित। यूपी न्यूज। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कसेगा शिकंजा, करोड़ की अभी संपत्ति होगी जब्त। रामपुर न्यूज। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की बड़ी मुश्किलें, गलत जनतिथि देने के आरोप में एफआईआर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2024 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का रखा लक्ष्य। यूपी न्यूज लाइव अपडेट। अलीगढ़ के टप्पल में आज होगी किसान महाविचार, अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, आज सभी 294 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी टीएमसी। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के एक्टिव मामले, एक दिन में आए 261 नए केस। ये मोदी को आज ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलेगा अवार्ड, फिर होगा भाषण। झारखंड, नशीली सुई लगाकर युवती के साथ गैंगरेप, पीड़ित के शरीर पर जख्मों के निशान। किसान आंदोलन का आज 100वां दिन, टिकैत ने कहा तैयारी लंबी है, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा।
छिड़काने के आरोप में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई, फिर सिर और मूछ मुड़वा कर घुमाया पूरा मोहल्ला।